गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, अपने आप को टाइम दे दें। आपने 2 हफ्ते लेने हैं, 3 हफ्ते लेने हैं, जितने लोग तोड़ने हैं आप इस टाइम में तोड़ लें, और जिस रेट पे जा रहे हैं काफ़ी लोग आपने तोड़ लिए हैं और काफ़ी और भी टूट जाएंगे, जो कहेंगे कि जी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और हम आज तहरीक इंसाफ को छोड़ना, बड़ा जुल्म हुआ 9 मई को। वो तो हम सारी कह रहे हैं कि 9 मई को जो भी तोड़ फोड़ हुई हम सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं, हम भी सारे अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, वो तो हम सब भी कह रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को हम छोड़ रहे हैं। तो जितनों को भी छुड़वाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी नीचे जा रही है, इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए। तो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। जब आप समझें कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें, मुल्क को तो निकाल लें इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। लेकिन फैसला कर लें, टाइम ना। इस वक्त मैं कोई अपनी पावर के लिए ये नहीं कह रहा, मैं अपने मुल्क की अब बात कर रहा हूँ। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए इस मुल्क को तबाह ना करें। इस मुल्क में सिर्फ जिन लोगों का जीना मरना यहाँ है, वो इस वक्त उनके लिए मुश्किल हो गया है रहना। जो छोड़ के जा सकते हैं, 9 लाख से ऊपर लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, और जिन लोगों के इस वक्त इकतदार में बैठे हुए हैं और जिनके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, डॉलर में पैसे हैं, रुपया गिरता जाए, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना। लेकिन इस कौम को फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए जल्दी फैसला करें, 4 हफ्ते के बाद जितने तोड़ने हैं तोड़ लें, फिर इलेक्शन करवा दें। शुक्रिया। इस तरह की इज्जत नहीं की जाती औरतों की, और क्योंकि ये हमारी सिर्फ रवायत ही नहीं है, ये हमारा दीन का हिस्सा है। अब मैं बताऊं कि 25 मई को क्या हुआ। 25 मई को दरवाजों तोड़ के घरों में घुस गए, रात गए ना चादर ना चार दीवारी। अगर इन्होंने ना फिक्र की कि वहाँ औरतें हैं, औरतों को कहीं उनको उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। हम बड़ा हमें आहिस्ता आहिस्ता जब खबरें मिली, हम मैं मानू ही ना कि ये हुआ है। जब हम अपनी औरतों MPs को मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी औरतों की तंजीमों को मिले, फिर जो अपने MPs मर्द को मिले, उन्होंने सब ने आहिस्ता आहिस्ता एक ही कहानी सुनाई कि प्लान करके ये किया गया था खौफ फैलाने के लिए, और इन्होंने ज़बरदस्ती बदतमीज़ी की। यानी एक प्लान करके कि दहशत फैले, ये इस तरह इन्होंने लोगों के घर तोड़े हैं और घरों में घुसे हैं। तब भी इन्होंने गाड़ियां तोड़ी, डॉक्टर यास्मीन की तस्वीर है, वो गाड़ी में बैठी है, उसकी गाड़ी तोड़ रही है पुलिस। तो ये एक प्लान था, लेकिन फिर हम उस वक्त नहीं मुझे पता था ये प्लान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे कोई शक नहीं कि ये एक पूरा प्लान है कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए। आधी आबादी जो पाकिस्तान की है, उसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। इसको देख के जो मर्द हैं, जो खावत हैं, जो बाप हैं, जो भाई हैं, वो इतने खौफजदा हो जाएं कि ये औरतों से इतना जुल्म होता है, या औरतों से जिस तरह का ये इन्होंने सलूक किया है जेलों के अंदर, या उससे पहले जब ये पुरमन एहतजाज कर रही थी, जिस तरह मारा है औरतों को, तो इतना उनको खौफ आ जाए कि वो औरतों को कहें आप घर बैठ रहे हैं, आपने सियासत में शिरकत नहीं करनी। और इससे बड़ा जुल्म किसी माशरे पे हो ही नहीं सकता कि आप 50% अपनी आबादी को पॉलिटिक्स से बाहर रखते हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है, और मुझे फख्र है इस पर, कि पहली दफ़ा ख्वातीन ने इस तादाद में इसमें शिरकत की, हमारे जलसों में फैमिलीज आनी शुरू हुई। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ, फैमिलीज, पढ़े लिखे लोग, गरीब से पर्दादार ख्वातीन से इंग्लिश मीडियम, हर किस्म की ख्वातीन हमारे जलसों के अंदर आई और शिरकत की, और फिर एक्टिव हुई, और फिर सोशल मीडिया जब आया तो उसके ऊपर एक्टिव हो गई ख्वातीन। तो मैं समझता हूँ कि इससे खुशाइन चीज़ हो ही नहीं सकती एक माशरे में। इसका मतलब कि एक माशरा जाग गया है, और जब एक जागा हुआ माशरा है, वही अपने हकूक लेता है, वही फिर उसे वही जमहूरियत होती है। जिस जमहूरियत के अंदर लोग निकलते नहीं वोट डालने के लिए, 15-20% टर्नआउट होता है, वो जमहूरियत तो होती नहीं है।
इसका मतलब कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए, यानी लोग डिपोलिटिसाइज हो जाते हैं। अब हमारी तारीख क्या है, पिछले 60 सालों के अंदर आधा वक्त फौज ने हुकूमत की है, आधा वक्त दो खानदानों ने किया, और जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती थी तो उसकी पहली कोशिश होती थी कि लोग डिपोलिटिसाइज हो जाए, कि पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ है, लोग पॉलिटिक्स से हट जाए। और वो इसलिए चाहते थे कि जब एक एक लोग डिपोलिटिसाइज हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनका उनका यानी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुल्क में जो मर्जी किया जाए, यानी कोई नाइंसाफ़ी हो, कोई हकूक उनको, या उनको फिक्र नहीं है, या उनका ख्याल है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो चुप करके घरों में बैठ जाते हैं और फिर डिक्टेटर पूरी तरह हुकूमत करता है। अब ये वही फेज़ आ गया कि एक आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन से हमारा मुल्क आगे बढ़ना शुरू हुआ। हमने एक एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई जिसको कहते हैं लॉयर्स मूवमेंट, वकील जब आज़ाद अदलिया के लिए निकले, मैं जेल में गया, हमने सब ने शिरकत की, वो पहली दफ़ा पढ़े लिखे तबके ने शिरकत की कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी हमारे हकूक़ की हिफाजत नहीं होगी, और आज़ाद अदलिया जमहूरियत की हिफाजत करती है। तो वो एक 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 बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की अदलिया जिधर पावर होती थी, जो हुकूमत होती उसके साथ चलती थी, और नज़रिया ज़रूरत ले आती थी कि आइन भी अगर ताकतवर तोड़ना चाहे तो उसको मौका दे देती थी आइन तोड़ने का। इसलिए हमारे कभी सही माने में हकीकी जमहूरियत आई नहीं, और हकीकी जमहूरियत का मतलब है हकीकी आज़ादी। देख लें, पहले ये समझ आए, जमहूरियत जब हकीकी होती है तो इसका मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो हकूक़ हैं, उनकी हिफाजत करती है मुल्क की अदलिया। मुल्क की अदलिया गवर्नमेंट को कोई गलत काम करने नहीं देती, क्योंकि वो आइन के बीच में चलती है। और फिर जब आपके मुल्क के अंदर लोगों के हकूक़ मिल जाते हैं और उनकी अदलिया उनके हकूक़ की हिफाजत करती है, वो आज़ाद हो जाते हैं और वो मुल्क फिर ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यूरोप जब आज़ाद हुआ, जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई, तो सारा जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ जमहूरियत आ गई। सिर्फ स्पेन में नहीं आई, वहाँ डिक्टेटरशिप थी। 50 साल के बाद देखेंगे सारा वेस्टर्न यूरोप आगे निकल गया, खुशहाल हो गया, और स्पेन पीछे है, हालांकि स्पेन भी एक वक्त पर बड़ा अमीर मुल्क था। तो जमहूरियत, आज़ादी, खुशहाली, ये सब साथ चलते हैं, लेकिन बुनियाद इनकी इंसाफ में है। इंसाफ का मतलब है कि जब एक माशरा आपके उसकी अदलिया फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है तो वो आज़ाद हो जाते हैं, वही वहीं जमहूरियत आती है, वहीं खुशहाली आती है। तो ये एक सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे हैं। आज़ाद अदलिया की मूवमेंट हुई, अदलिया आज़ाद हो गई, अदलिया ने बहुत तो बड़ी देर तक, और ऐसा कि लोगों को इत्माद होता था कि हुकूमत हमारे से ज़्यादती नहीं करेगी, हम अदलिया के पास चले जाएंगे। मेरे 3.5 साल में मुकम्मल तौर पे अदलिया आज़ाद, किसी किस्म की मुझे कोई बताए कि हमने इंटरफेरेंस की हो, मुकम्मल तौर पे मीडिया आज़ाद। ज़रा मुआजना करें आज जो मीडिया का हाल है और जो हमारे दौर पे था, 80% तनकीद हमारी गवर्नमेंट की हो रही होती थी, हालांकि उस गवर्नमेंट ने कोरोना से दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान के, जिस तरह हमने कोरोना को हैंडल किया, टॉप 3 दुनिया में मुल्क थे, दुनिया ने हमारे एहसास प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया, दुनिया ने हमारे जो हमने पहली दफ़ा माहौलियात के ऊपर मुल्क की तारीख में जो हमने दरख्त उगाए, जो बिलियन ट्री सुनामी जिसको कहते हैं, दुनिया ने माना उसको। बोरिस जॉनसन ने जो ब्रिटानिया प्राइम मिनिस्टर